अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आप सभी को ईद मुबारक हो। ईद बन चुकी है, पापा सीध बना रहे हैं। देखो ये हमें पापा जी ये सीध बना रहे हैं। आप सभी को ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हमारे ओर से ईद मुबारक। सीध पक चुका है, फाइनल हो चुका है। ये टाइम 5 बजने से पहले हुआ है दोस्तों। सुबह 5 बज रहे हैं और कुत्ते भोग रहे हैं। ये आटा है दोस्तों, ये देखो ये दो तीन और सब दी है। देखो दोस्तों सियाने में आज बिंदु है और कचौरी खा रहा है। पापा उसमें डालेंगे। ईद मुबारक हो, और हमें ईद मिली है और हम तैयार हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, मुबारक आपको ईद मुबारक। ईद को पैर चलते हैं। देखिए अभी जा रहे हैं, ये है टू एंड। दोस्तों ईदगाहों पर हम कुछ जल्दी ही पहुंच गए थे और थोड़े बहुत लोग ही पहुंचे हैं अभी ईदगाहों पर। टिक्की खा रहे हैं और मेरी बहन आ गई। दोस्तों मेरे बच्चे कपड़े पहनकर बैठे हुए हैं। दोस्तों ईद की नमाज 7:45 होगी और लगभग हम 30-35 मिनट पहले ही पहुंच गए थे ईदगाह पर, और लोग धीरे धीरे घर से आना चालू हो चुके हैं। देखे दोस्तों चारों ओर लोग घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और लोगों का आना चालू हो चुका है। देखे दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक लाइन लगी हुई है लोगों की, और ईदगाह की ओर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों ये हमारी ईदगाह के पास में ही दूसरी ईदगाह है। यहाँ पर सियाह लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। ईदगाह के पास छोटी छोटी दुकानें भी लग जाती है अक्सर, यहाँ पर खिलौने वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, और कचौरी, कुल्फी, समोसे, बर्गर, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर खाने के लिए। और सबसे अच्छा मज़ा तो बच्चों का ही आता है, क्योंकि ईद पर बच्चे यही चीज़ें खाना पसंद भी करते हैं। दोस्तों देखें, और लोग आ रहे हैं ईद के लिए, ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह पर धीरे धीरे। दोस्तों 10-15 मिनट ही रह चुकी है ईद की नमाज के लिए, और लोगों की लाइन लगी हुई है दूर दूर तक, देखें। और माशाल्लाह हमारी ईदगाह भी नमाजियों के लिए भर चुकी है और बहुत सारे लोग आ चुके हैं। देखें अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आप सभी को ईद मुबारक हो। और मैं पढ़ा हूँ महलका की ईदगाह पर, और ईदगाह भर चुकी है नमाजियों से दोस्तों। और देखिए दोस्तों बहुत भीड़ आ चुकी है ईदगाह पर, और नमाज की तैयारी है कुछ ही देर में दोस्तों। और जो भाई है आपको ईद मुबारक हो। जो भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपको। कितने लोग हैं दोस्तों? बहुत सारे हैं, और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं दोस्तों। बैठा है उदास बिल्कुल। और दोस्तों देखे छोटे छोटे बच्चे पास ही रखेंगे हम भी अपने चप्पलों की देखभाल करने के लिए बैठे रहते हैं यहाँ पर, और चप्पलों की देखभाल कर रहे हैं। और ठीक है सजाद भाई, हाल लगा शुक्रिया। और देखे दोस्तों, और बहुत सारे नमाजी आ रहे हैं ईदगाह पर नमाज पढ़ने के लिए। देखे दोस्तों बहुत सारे नमाजी हैं ईदगाह पर आ चुके हैं, और कुछ देर में ही नमाज होगी दोस्तों। Thank you.
देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, छोटे छोटे मासूम बच्चे आ चुके हैं नमाज के लिए। और भाई अरसा, भाई जावेद है, देखिए हमारी ईदगाह में तो सारे लोग हैं दोस्तों। ईद की नमाज हो चुकी है और लोग ईद की बधाई एक दूसरे को दे रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं एक दूसरे को, गले मिल मिल कर। देखे जनाब, और लोग घर जा रहे हैं दोस्तों। देखे, और ईद की नमाज हो चुकी है दोस्तों मेलका गांव में, और मुबारकबाद दी जा रही है एक दूसरे को दोस्तों। बहुत बढ़िया, अजी वालेकुम सलाम, ईद मुबारक हो आपको। इधर भी ईद मुबारक दी जा रही है दोस्तों, और ईद मुबारक हो आप सबको। आपको मुबारक हो साहब भाई, और ईद मुबारक हो आपको। मुबारक हो जाए आपको जी, और ठीक है आप। ये प्रधान जी हमारे मौजूदा गांव के, अस्सलाम वालेकुम प्रधान जी, और ईद मुबारक हो आपको। आपको भी, आपको भी भाई। ये हमारे अब्बा जी है, नमाज पढ़ के चल दिए हैं दोस्तों। लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं और अब हम जाएंगे कब्रिस्तान में। ईद की नमाज पढ़ने के बाद दोस्तों ज्यादातर लोग कब्रिस्तान की ओर जाते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं जो गुजर चुके हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे साहिब इमाम है भाई आरिफ, और ईद मुबारक हो आपको। और कब्रिस्तान में जाने के लिए तैयार हैं ये सब। दोस्तों घर जा रहे हैं लोग कब्रिस्तान में। और ये रहे अब्बा, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। देखो देखिए, और वहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं, और इधर भी, इधर मोह से कितने सारे आदमी आ रहे हैं। तो चलते हैं आपके कफर पे। दुआ मांग ली है और अब हम घर जाएंगे, और वहाँ पे कचौरी और सीपी